मैं एस्ट्रोलॉजर आप सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं शुक्र के, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन होने वाला है 13 जुलाई से। और शुक्र क्या है? चमक धमक लग्जरी के कारक ग्रह है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, प्रेम रोमांस भोग विलास फैशन सौंदर्य कला के ग्रह हैं। शुक्र धन विलासिता का ग्रह है, शुक्र सुंदरता प्रेम का ग्रह है। ये 13 जुलाई से परिवर्तन होगा, बुधवार का दिन होगा और बुधवार का दिन है और मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। 11:01 पर लगभग ये जाएंगे और 7 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे मिथुन राशि में। तो 13 से 17 के बीच में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होगा। देखिए, हम हमेशा कहते हैं, आपने मेरी वीडियोज में सुना होगा कि शुक्र जिनका अच्छा है उनको जीवन में बहुत कुछ मिलता है। अब शुक्र किनका अच्छा होता है, पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए। वीडियो तो आप लोग सुनते ही रहते हैं लेकिन ठीक से नहीं सुनते हैं, कुछ और अच्छी जानकारी ले लीजिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शुक्र चमक धमक का ग्रह है, शुक्र साफ सफाई का ग्रह है। शुक्र किनका अच्छा होगा? जहां पर साफ सफाई होगी। शुक्र किनका अच्छा होगा? जहां पर रोशनी होगी। शुक्र किनका अच्छा होगा? जो लोग मीठी भाषा बोलेंगे। शुक्र किनका अच्छा होगा? जिनके घर में कलह कलेश नहीं होगा। अब कभी कभार हो जाए वो एक अलग बात है। शुक्र किनका अच्छा होगा? सबसे बड़ी निशानी है शुक्र को देखने की, दो निशानियां मैं आपको बताता हूं, एक उनकी जिनकी शादी हो गई है, एक उनकी जिनकी शादी नहीं हुई है। देखिए, जिनकी शादी हो गई है, अगर आपका आपके जीवन साथी से रिश्ता बेहतरीन है, प्यार मोहब्बत है, तो समझ लीजिए शुक्र बढ़िया है। सिंपल, इससे ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा सॉरी जिनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, तो या तो उनकी महिलाओं से बनती नहीं होगी, अगर महिलाओं से नहीं बनती है तो आपका शुक्र खराब है। दूसरा, वो लोग बहुत गंदे तरीके से रहते होंगे। कैसे? उनकी घर की जो अलमारी है उसमें कपड़े उल्टे सीधे पड़े रहते होंगे, कपड़े ठीक से प्रेस नहीं करते होंगे, मैले कुचैले कपड़े पहन लेते होंगे, शरीर से बदबू आती होगी, मुंह से बदबू आती होगी, पान मसाला गुटखा ये सब चीज़ें खाते होंगे। भाई, पान मसाला गुटखा खाने से क्या है, मुंह दांत सब काले काले हो गए, ब्राउन हो जाते हैं, यानी गंदगी। और ऐसे लोगों की घर में चप्पलें उल्टी सीधी पड़ी रहती होंगी, कोई एक चप्पल उधर पड़ी है, एक चप्पल इधर घुसी हुई है, एक चप्पल पलंग के नीचे पड़ी है, या चप्पल एक के ऊपर एक पड़ी है उल्टी सीधी। बाथरूम बहुत गंदा है, बाथरूम में से बदबू आ रही है, तो आप समझ लीजिए आपका शुक्र खराब है। अब आप के साथ अगर ऐसा है तो आप धनवान नहीं बन सकते, इस बात को जितनी जल्दी समझ लें। तो चलिए अभी हम मुद्दे पे आते हैं। अब शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, अब ये क्या परिणाम लाएगा? पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा होगा। कोई धन का निवेश कर सकते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, कुछ आपको अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, आपको पीठ थपथपाई जा सकती है, गर्भधारण के लिए भी ये समय ठीक रहेगा। पढ़ाई लिखाई में योजना बनाकर पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। उच्च संस्थानों में आपको नौकरी लग सकती है, उच्च संस्थानों में पढ़ाई लिखाई के लिए कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ेंगे, आमदनी के कई रास्ते भी खुलेंगे, आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आप पर बनी रहेगी। पेशेवर जिंदगी में कई बहुत सारी सफलताएं होंगी। आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहिए, स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में रखकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र के गोचर की कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है? देखिए, कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए शुक्र दो महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी होते हैं, चौथे भाव यानी कि आराम विलासिता परिवार के, और उसके अलावा नौवें भाव के स्वामी होते हैं। नौवां भाव क्या है? धर्म का है, कर्म का है, पिता का है, भाग्य का है, यानी भाग्य कितना सपोर्ट करेगा। और ये दोनों ही भाव बहुत अच्छे भाव हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं शुक्र जो है अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं। और इस समय में पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा। अब पांचवा भाव क्या है? प्रेम है, शिक्षा है, संतान है, ये भाव बहुत अच्छा है। पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव प्यार है, बच्चों की खुशी है, जवानी है, रोमांटिक भावनाएं हैं। हर इंसान के अंदर कुछ रोमांस होता है, ये रोमांस रोमांटिक बातें होती हैं, वो रोमांस को दिखाता है पांचवा भाव। और यहाँ पर शुक्र बैठा हो तो शुक्र खुद रोमांटिक ग्रह है,
तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो अब शुक्र यहाँ पर आपको ना एक खुश दिल जिंदा दिल इंसान बनाएंगे, मनमोहक इंसान बनाएंगे, आपके अंदर आनंद ही आनंद होगा, जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे, हवा के साथ चलेंगे, हवा के विरुद्ध नहीं चलेंगे, यानी आप अपनी नई खिचड़ी नहीं पकाएंगे, जैसा वक्त चल रहा है उसी के साथ चलने में आपको खुशी होगी। आप ऐसे आप जो इस समय में काफी चंचल होंगे, यानी आपके अंदर चलाकी भर जाएगी, कामुक भी होंगे, यानी कि सेक्सुअल आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी बढ़ेंगी इस समय में, और आनंद में आप लिप्त रहने की कोशिश करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खूब बनाएंगे, एक बनाएंगे दूसरा छोड़ेंगे, सुंदर होंगे, गीत कला संगीत इन सब में रुचि लेंगे, ईश्वर में कम, बाकी फैशन की दुनिया या अन्य जो चीजें हैं उनमें ज्यादा आप रुचि ले सकते हैं। तो ये भी होगा इस समय में, या कहें ऐसा कहें कि गीत संगीत से जुड़े हो सकते हैं आप, गीत संगीत में अच्छा खासा वक्त देंगे, कि चीज़ों को सीखने में, बजाने में, परफॉर्म करने में, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। और इस घर में जब भी शुक्र होता है तो खुशियाँ आपके आसपास घूमती हैं, आपने एक खुशी को पकड़ा दूसरी खुशी को पकड़ा, ऐसे खुशियाँ आपके आसपास होंगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। रोमांटिक खोज करते हैं अपने लिए, नए नए पार्टनर ढूंढते हैं, पार्टनर नहीं है तो किससे कैसा प्यार मिल सकता है, उस प्यार को ढूंढते हैं, तलाशते हैं, आगे बढ़ते हैं, और रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो कोई गड़बड़ थी तो सही हो जाएगा, रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, अच्छा एक दूसरे के प्रति प्यार महसूस करेंगे, और आपके लिए यह अवधि जो ये समय जो है अच्छा साबित रहने वाला है। आप किसी रिश्ते में अंदर प्रवेश कर सकते हैं, किसी रिश्ते को तोड़ कर बाहर आ सकते हैं, आपके बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है, आप लोग अपने संतान के साथ बढ़िया वक्त बिताएंगे, आपके सपने पूरे होंगे। कुछ समाज कुछ कुछ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, बाकी कोई खास चिंता की बात नहीं है। और जैसे जैसे आप पढ़ाई करके करना शुरू करेंगे, यानी कि और बड़ी क्लासों में आगे जाएंगे, तो आपको कई अवसर मिलेंगे आगे तरक्की करने के, यानी कि शुक्र यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई को भी बेहतर कर रहे हैं। व्यवसाय में यदि कोई निवेश करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, आपको सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी अच्छा रहने वाला है आपका ये वक्त, इस दौरान आपको बहुत सारे आमदनी के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, और इसके साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ 9-10 चीजें आप नई शुरू कर लेंगे, एक दो चीजें नहीं, 9-10 चीजें शुरू कर लेंगे, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, नए तरीके खुलेंगे, नए तरीकों से पैसा कमाएंगे, आपकी छवि बहुत अच्छी बनेगी, आप अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं, आप मौज मस्ती करने वाले इंसान होंगे, वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में आपकी अहमियत बहुत अच्छी होने वाली है, पेशे में जिंदगी आपके लिए आपका इंतजार कर रही है, आप अपना जब भी मौका देखें अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी चीजों के साथ आए और इंटरव्यू दें, जहां पर भी इंटरव्यू देना है आपको नौकरी लग जाएगी, आपका मन मुताबिक काम बन जाएगा, यानी कि आपका खुद का मन का सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। भौतिक सुख साधन जो है वो भी आप प्राप्त कर ही लेंगे, और भौतिक सुख साधन आपके जीवन में आपके आसपास होंगे, गाड़ी लग्जरी बंगला ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। चरित्र का साफ रखना बहुत जरूरी है, अगर आप हीरा पहन सकते हो हीरा पहन लीजिए, और इसके अलावा अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी ना करें, अपनी शादी हो गई तो पत्नी की सलाह को सुने, चाल चलन अपना बहुत ठीक रखें, और वरना इस समय में आप थोड़े से पछता भी सकते हैं, बेफालतू के चक्रों में पड़ गए तो पछतावा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर घर की साफ सफाई रखिए, पत्नी का सम्मान करिए, घूमने फिरने जाइए, शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट देते रहेंगे। हरिओम, नमस्कार।